आते हैं, युवा विधायक है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि जरा मंच पर पधारें। संजय पाठक जी, आदर्श युवा विधायक के पुरस्कार से आज हमारे साथ बापू बैठे हैं, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इन युवा विधायक को, आदर्श युवा विधायक पुरस्कार 2013 से हम यहां सम्मानित करें। आपकी तालियों के साथ हौसला बढ़ाएं अपने इन युवा विधायकों का, जिन्होंने राजनीति और प्रशासन में अपना एक मकाम हासिल किया है। संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों से? सिर्फ अपनी बात प्रारंभ करने के पहले इतना कहूंगा कि आज तो मैं यहां पर आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार ग्रहण करने आया था। मैं राहुल जी को पर्सनली धन्यवाद देता हूं कि इस पुरस्कार के साथ साथ आपने एक जाने माने संत परम पूजनीय मुरारी बापू जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति दो प्रकार की होती है, एक दिमाग के साथ जो मेहनत के साथ की जाए और दूसरी जो मेहनत के साथ और दिल के साथ की जाए। जो मेहनत और दिल के साथ की जाती है वो ना केवल राजनीति होती है बल्कि वो सच्ची भाषा में कहा जाए तो समाज सेवा होता है। और मैं समाज सेवा के लिए राजनीति पे आया हूं और बड़े बुजुर्गों से यही चाहूंगा कि आप सभी का सदैव मार्गदर्शन आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, देश की सेवा कर सकूं पूरी ईमानदारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पाठक जी, जिनको 2013 का आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार आज यहां से मिला है। और दूसरा जो कि आदर्श युवा विधायक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, पंच